जालंधर अमृतसर नेशनल हाईवे पर संजय गांधी कॉलोनी के पास पड़ती बीस्ट दुआब कनाल में एक लाश मिलने से सनसनी फैल गई। हालांकि लाश किसकी है ये पहचान नहीं हुई है, लेकिन घटना की सूचना मिलते ही थाना नंबर 1 और थाना नंबर 8 की पुलिस मौके पर पहुंच गई। पता चला है कि लाश नहर में तैरती हुई आई है, जिसे लोगों ने देखा व नहर से बाहर निकाला। हालांकि चर्चा ये भी है कि लाश निकालने के बाद व्यक्ति गायब हो गए। फोकल पॉइंट चौकी इंचार्ज मदन सिंह ने बताया कि शव की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है और देखने में मृतक प्रवासी लग रहा है और आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है। उन्होंने कहा कि अगर शव की पहचान नहीं हो पाई तो शव को जालंधर के सिविल हॉस्पिटल के मुर्दा घर में 72 घंटों के लिए रखवाया जाएगा और व्यक्ति की मृत्यु किस प्रकार से हुई है इसकी जाँच की जा रही है। कैमरामैन हार्दिक के साथ पूजा की रिपोर्ट। डेड बॉडी मिलिया मतलब देखने तो प्रवासी लगता है, नाम लूम व्यक्ति है, यदि शिनाख्त वास्ते असं कोशिश कर रहे हैं भी शिनाख्त हो सके। आप पब्लिक नू इकट्ठे करके दिखा रहे हैं कि शिनाख्त हो जाए कि बॉडी है। सर बॉडी कैसी जगह तो मिली है? इतों ही मिली है, पिछू आई कद इतों कड़ी पब्लिक ने। पुलिस नू कितना इनफॉर्मेशन मिली है? सब तो पहले किन्ने देखी थे बाहर बॉडी कड़ी किन्नी है? पब्लिक ने गड्डी तैरती जा रही थी, पब्लिक ने बाहर कट के फोन किया, अभी मौके पर आए। हूँ शिनाख्त कराने वास्ते किया जा रहा है? सर शिनाख्त कराने वास्ते हम इतने पहले लोगों को इकट्ठे करके दिखा रहे हैं, इस तुला 72 घंटे वास्ते इनू रखा जाऊगा डेड बॉडी मोर्चरी जी शिनाख्त कराने वास्ते। कोई कपड़े वगैरह कुछ मिले हुए तो? कपड़े नहीं मिले, पार्टी भेजी हुई है भी कि नहाया समय कि पिछे कि कपड़े कपड़े मिल जाने कि पता लग सके भी कितों डुबिया। की नाम है सर अपना थाना जरा? मदन सिंह जी, मैं चौकी इंचार्ज पप्पू बैठ। सर जिस खड़े हैं संजय अपना संजय गांधी नहर पुलिस।